या गृह मंत्री जी का लोकसभा स्तर पर सम्मेलन है, वाल्मीकि नगर में एक लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक कार्य करने का तरीका है और उसी के तहत 25 तारीख को वाल्मीकि नगर लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होगा। वहाँ पर वह लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वाल्मीकि नगर के बाद पटना आकर के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों और मजदूरों को समर्पित कर दिया, वैसे स्वामी सहजानंद जी की श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी स्वयं बापू सभागार में उपस्थित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाना, संगठन को मजबूती देना है। किसी भी दल में क्या आंतरिक विरोध है, क्या आपस में क्या डील है, कौन दल के नेता अपना पार्टी समाप्त करके आश्रम में जाना चाहते हैं, यह उस दल का हेडेक है। मैं बिल्कुल साफ हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 36 से ज़्यादा लोकसभा सीटें बिहार में जीतेंगी। बिहार के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित की सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। अमित शाह पूर्णिया में आए हुए थे, अब महागठबंधन क्या आप लोगों की रैली सफल अच्छी थी तो वही कारण से डर से जा रहे हैं? कोई भी दल रैली करने के लिए निश्चिंत है, लेकिन कोई भी रैली होती है तो कम से कम उसमें जवाब तो देना चाहिए। 15 को जब माले की रैली गांधी मैदान में होगी तो माले को बताना चाहिए कि हम अब सरकारी गठबंधन के हिस्सा हैं, तो हमने कैसे रसोइयों को अब परमानेंट नौकरी दे दिया, कैसे हमने आंगनबाड़ी सेविकाओं को और जितने संविदा आधार जो कि माले ने वादा किया था, तो इतने बड़े अधिवेशन करके जब वह सभी को बुला रहे हैं तो उन्होंने इस सरकार में 6 महीने में अपने वादों में क्या क्या पूरा किया, किसानों के लिए क्या किया, हमारे जो संविदा आधारित भाई हैं जिनके लिए वादा किया गया कि हम सबको परमानेंट नौकरी कर देंगे, महागठबंधन के जो वादे हैं कि हम हर विद्यार्थी को परीक्षा फीस माफ करेंगे, हर विद्यार्थी का कोई कंपटीशन होगा तो आने जाने का खर्च देंगे, 10 लाख नौकरियां पहले दस्तखत से देंगे, यह सब को मुझे पूरा विश्वास है कि गांधी मैदान में माले की रैली से पहले सभी महागठबंधन के नेता इस बात का दस्तखत करके घोषणा करके जाएंगे। और वरना यह कहना चाहिए भाकपा माले को भी कि जिस प्रकार से तेजस्वी जी झूठ बोल करके 75 सीट जीते हैं, उसी तरह उन्होंने भी जनता को झूठ बोल के धोखा दे के 13 सीट जीतने का काम किया। बहुत ही दुखद है। कानून व्यवस्था का भय अपराधियों में समाप्त हो चुका है। छपरा में जो घटना घटी है, जिस प्रकार का नृशंस काम किया गया, अगर तुरंत इंसाफ मिल जाता तो किसी कुछ भी बवाल नहीं होता। इस तरह के आपस के वैमनस्य से बहुत ही दुखद हैं, लेकिन जब विधायक से लेकर थाना प्रभारी तक पर जनता को भरोसा नहीं हो तो कहीं ना कहीं इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं और यह गड़बड़ी पूरे बिहार में हो रहा है। आज ही अभी मैं टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि अब दानापुर में कौन यादव गैंग है जिसको दुकानदार से 5 लाख रुपए चाहिए और सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि पुनः 1990 से 2005 का कार्यकाल वापस आ चुका है। अध्यक्ष, एक सवाल है, बिहार में आईपीएस अधिकारी गाली देने का मामला सामने आ रहा है, शोभा ओस्कर का मामला है, डीके पाटिल का मामला, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशासन में निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा है, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का
जो पहले अफसरों के द्वारा राज करते थे, अब अफसरों पर भी उनका कंट्रोल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया।